सो हे गाइस, आप लोग को मालूम होगा कि विजय मेहर जी ने अभी अभी ये कॉन्सेप्ट डाला पैरेड वाला। आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो गाइस सर, जितना ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है उतना ही हार्ड है। मतलब यार, मैं जैसे ही मैंने विजय मेहर जी का कॉन्सेप्ट देखा और उसके बाद मैं तुरंत लग गया मॉडल ढूंढने में। मतलब सेम मॉडल नहीं मिला गाइस, मतलब ऐसे कपड़े थोड़ी कोई पहनता। इतना ज़्यादा यार टाइम लग गया ना मॉडल ढूंढने में, फिर भी मैंने आप लोग के लिए जुगाड़ लगा दिया है। आप लोग ऐसा सेम एडिट कर पाएंगे, तो आप लोग को अगर सेम ऐसा फोटो एडिट करना है तो आप लोग को करने के, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोग ऐसा फोटो एडिट कर पाएंगे। और अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग को बेकार लगे तो भैया आप लोग अनलाइक भी कर सकते हैं। बट यार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैंने, तब जाके आप लोग के लिए ये कॉन्सेप्ट ला पा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे ही सपोर्ट दिखाइएगा, बेकार सपोर्ट मत दिखाइएगा, वरना मेरे को बहुत ही बेकार लगेगा अगला वीडियो शायद। मैं मतलब यार बहुत ही बेकार लगेगा, प्लीज़ अच्छे ही सपोर्ट दिखाना। तो चलते वीडियो की तरफ, ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते हम। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड का बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी विजय मेहर फोटो एडिटिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और गाइस, अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर मेरे को फॉलो कर लेना। और गाइस, मैं आप लोग को पोस्ट बता देता हूँ कि आप लोग को पोस्ट कैसे क्लिक कराना है। तो आप लोग विजय मेहर जी की इस फोटो को देख लो, सेम ऐसी ही फोटो आप लोग को क्लिक कराना पोस्ट में, ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ। सो गाइस, आप लोग को करना है कि आप लोग को सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में बैकग्राउंड भी ओपन कर लिया हूँ। सो गाइस, जो भी PNG एंड बैकग्राउंड यूज़ करूँगा, सारी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप लोग को करना है कि टूल्स वाले आइकन पर जाना है। एंड गाइस, आप लोग को बैकग्राउंड को रिसाइज कर लेता हूँ। एंड बैकग्राउंड को रिसाइज करने के बाद आप लोग को करने का, आप लोग को ऐड फोटो पे चला जाना है, आप लोग को अपनी फ़ोटो को ले आना है। तो भैया मेरे को मॉडल ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बट मेरे को जुगाड़ लगा के मैं ये मॉडल को ले आया हूँ। मतलब ये कॉन्सेप्ट ने रुला दिया भाई, कसम से रुला दिया। आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा मेहनत करा होगा मैंने। तो आप लोग को पोस्ट भैया सेम विजय मेहर जैसा देना है। आप लोग का जो भी PNG वगैरह मैं दूंगा ना, आप लोग का सेम एडजस्ट हो जाएगा। तो आप लोग को प्लीज़ जितना हो सके आप लोग को सेम विजय मेहर जैसा ही पोस्ट देना है, ठीक है। नहीं हो पा रहा तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो गाइस, आप लोग को करने का, आप लोग इस टाइप से एडजस्ट कर लेना अपने मॉडल को। एंड फिर आप लोग को बताता हूँ मैं क्या करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं मॉडल को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। एंड मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर लेता हूँ। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, मैं क्या क्या करूँगा वीडियो पे आप लोग को देखते रहना है, फिर आप लोग को बताता हूँ मैं। सो मैंने इतना काम कर लिया हूँ। तो गाइस, मैं इसे डन कर लेता हूँ, ओके। एंड डन करने के बाद गाइस, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ऐड फोटो पर जाता हूँ। एंड मैंने विजय मेहर जी का वो कोड था ना, कोड का PNG बना के दे दिया हूँ आपको, क्योंकि देखो हर किसी के पास भैया नहीं रहते ऐसे कपड़े एंड कोड वगैरह नहीं रहता है। चलो अगर आप लोग के पास है कोड तो आप लोग ऐसा पहन लीजिएगा कोड। बस भैया मेरे को तो यही लगा था कि किसी के पास थोड़ी होंगे इतने महंगे महंगे कपड़े एंड ऐसा कोड थोड़ी होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने विजय मेहर को ही ले लिया। तो भैया इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो इसे इन्वर्ट कर लेना। इन्वर्ट करने के बाद आप लोग को इसकी हार्डनेस को फुल एंड साइज को अपने अकॉर्डिंग कर लेना है। एंड फिर आप लोग को अपने जो हैंड ना वहाँ पे आप लोग को ड्रॉ करना है, ठीक है। ओनली हैंड पे आप लोग को ड्रॉ करना है कुछ इस टाइप से। फिर आप लोग को ड्रॉ करने के बाद बताता हूँ। आप लोग देखते जाइए, आप लोग सेम एडिट कर पाएंगे। तो आप लोग को करने का, आप लोग को ऐड फोटो पे जाना है एंड आप लोग को इसी कोड को फिल ले आना है। देन आप लोग को इस कोड को यहाँ पे लगा देना कुछ इस वाले हैंड पे, ठीक है। तो आप लोग को अगर पोस्ट सेम रहेगा विजय मेहर जैसा, तो आप लोग जो कोड दूंगा ना PNG वो एकदम सेम बैठ जाएगा। तो आप लोग को पोस्ट सेम देना है, ठीक है। एंड फिर आप लोग को इसे इन्वर्ट कर देना है, इन्वर्ट नहीं करना, आप लोग को इरेज टूल्स पे जाना है, इसकी हार्डनेस को फुल एंड आप लोग को साइज को अपने अकॉर्डिंग रख के आप लोग को थोड़ा थोड़ा सा कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो ये इसकी हार्ड मतलब क्या कम हो गया था समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग को मतलब यार ये कॉन्सेप्ट ना पता भाई पगला सा गया हूँ मैं, सही में कुछ समझ नहीं आ रहा था यार किस टाइप का लाऊं। फिर मैं आप लोग के लिए ले आऊँ, तो जो भी गलती अगर मेरे से हुए तो प्लीज़ छोटा भाई समझ कर माफ़ कर दीजिएगा। तो आप लोग को इस टाइप से डन कर लेना है। एंड डन करने के बाद फिर आप लोग को करना है, फिर आप लोग को ऐड फोटो पर जाना है एंड आप लोग को फिर कोड को लाना है, ठीक है। अब इस बार आप लोग को कोड को फुल ऐसे बड़ा करके लगा देना कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड इस टाइप से लगाने के बाद आप लोग को करने के, आप लोग को बता दे रहा हूँ मैं। तो मैं पहले लगा लेता हूँ कुछ इस टाइप से। एंड फिर आप लोग को इन्वर्ट कर लेना है ऐसे, ठीक है। एंड इन्वर्ट करने के बाद आप लोग को फुल ऐसे मतलब बॉडी पे चला देना। आपको फिर मतलब डरना नहीं है, आप लोग को फुल बॉडी पे चला देना है।
तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हार्ड था, बट मैंने थोड़ा सा आप लोग के लिए अगर मतलब सिंपल बना दिया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि भाई आपने सही कर हमारे लिए, हमें अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मतलब आप लोग कमेंट करेंगे ना कि हाँ नाइस भाई अच्छा करे हुआ, तो इससे क्या होता है कि मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने में मतलब थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है कि चलो इतना ज़्यादा प्यार आया मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब कमेंट कर दीजिएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरा काम कर लिया हूँ, तो गाइस मैं से यहाँ से डन कर लेता हूँ। तो गाइस यार आप लोग अभी वीडियो को देखते रहिए, आप लोग को पता सेम लगेगा लास्ट में। तो फिर आप लोग को करने का, आप लोग को एड फोटो पे चला जाना है एंड आप लोग को पैरेट को ले आना है, ठीक है। एंड पैरेट को लाने के बाद आप लोग को फुल ऐसे मतलब बॉडी मतलब फुल ऐसे करना जूम, ठीक है। और फिर आप लोग को कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर देना। तो मैं आप लोग को क्या बोलूँगा, देखो अगर आप लोग का पोस्ट विजय मैर जैसा रहता है तो भैया आप लोग का सेम एडिट हो जाएगा, अगर सेम पोस्ट नहीं रहता तो शायद आप लोग कोट वोट वगैरह सेम लगा पाएँ। तो थोड़ा सा पोस्ट पर आप लोग को ध्यान देना है, मैं आप लोग को ऑनली सिखा रहा हूँ आप लोग को कि आप लोग को ऐसा करना है, ठीक है। और पोस्ट रहेगा सेम तो आप लोग वाकई में एडिट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा हूँ, मैंने मॉडल को थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा करके एडजस्ट कर लिया हूँ, इस वजह से पैरेट एडजस्ट नहीं हो रहा अच्छे से, बट आप लोग को आराम से करना है, ठीक है। मैं बार बार आप लोग को कह रहा हूँ कि पोस्ट थोड़ा दे दीजिएगा अच्छे से। तो मैं इसे यहाँ से कर लेता हूँ डन, एंड डन करने के बाद आप लोग को करने के, आप लोग को एड फोटो पे चला जाना है। एंड जो ये पीएनजी था ना, मतलब हाथ पे ऐसे मतलब पता नहीं क्या टाइप का था भैया, मैं बता नहीं सकता, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। तो इन्हें भी आप लोग को ऐसे मतलब आजू बाजू में लगा देना है एंड फिर आप लोग को बताता हूँ। तो मैंने इस साइड का मतलब रिमूव कर लिया हूँ, एंड जो इस साइड का है उसे मैं थोड़ा सा अच्छे से लगा लेता हूँ, अच्छे करके बोल रहा था मैं। तो मैं इस टाइप से लगा लेता हूँ इसे, एंड गाइस फिर मैं यहाँ से कर लेता हूँ डन, ओके। एंड डन करने के बाद आप लोग को सिंपली फिर एड फोटो पे जाना है एंड फिर आप लोग को ये दूसरे हाथ वाला ले आना है, ठीक है। तो इसे आप लोग को कुछ यहाँ पे इस टाइप से एडजस्ट कर देना है, ठीक है भाई। और फिर आप लोग को ऐसे थोड़ा थोड़ा सा रेज कर देना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड फिर आप लोग यहाँ से डन भी कर सकते हैं, तो आप लोग को डन ही करना, और क्या कर सकते हैं, आप लोग को डन कर लेना है। एंड गई थोड़ा बहुत मिस अगर गलत एडिट हुई हो तो भाई प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, फिर भी मैंने आप लोग के लिए ले आऊँ। तो इसके लिए लाइक कर दीजिएगा, और मेरी वही थोड़ा स्लो आ रही हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा मूड पता नहीं कैसा था यार, कि मतलब मैं टेंशन में था यार कि बहुत ही हार्ड कॉन्सेप्ट है और मैं आप लोग के लिए ला पाया, शायद नहीं ला पाया, बट मैंने बहुत ही कोशिश करा हूँ तब जाके मैं आप लोग को ले आऊँ। तो देखो मैं शैडो डाल रहा हूँ, आप लोग को भी कुछ इस टाइप से शैडो को बना देना है एंड फिर आप लोग को बताता हूँ आप लोग को क्या करना है। तो मैंने कुछ इस टाइप से शैडो को क्रिएट कर दिया हूँ, तो आप लोग को भी कुछ इस टाइप से कर लेना है। एंड फिर आप लोग को लेयर वाले आइकन पर जाके क्या करना है, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना है आप लोग को, ठीक है। एंड फिर आप लोग को थ्री डॉट पर टैप करके क्या करना है, फ़ोटो को कर लेना है सेव, ठीक है।